छोटी स्क्रीन का चॉकलेटी हीरो, सेवन स्काई और इतने इतने बड़े ड्रामों की प्रोडक्शन का मालिक कैसे बन गया, क्या किया है? सर एक काम बहुत किया ज़िंदगी में, माँ की बहुत खिदमत की, बहुत दुआएं ली, और फिर जब आपको पता है अल्लाह पाक करम करने पे आते हैं तो फिर सितारे जगमगा जाते हैं। अल्लाह के फजलो करम से जो चीज़ मैं अपने मुंह से कभी नहीं कहता, लेकिन बात ये कि पाकिस्तान में आई स्टार्टेड माई करियर एज अ मॉडल, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मार्केटियर, मीडिया मैनेजर, और उसके अलावा इवेंट मैनेजर, और सारी चीज़ें यानी सारी टोपियां मैंने पहनी हैं, कोई छोड़ा नहीं है। और अब जो मैनेजमेंट थी वो भी 11 साल पहले एक और चैनल के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान के नंबर वन नेटवर्क के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि यू आर मल्टी फेसेटेड, आपके अंदर हर फन मौला है? जी सर, हर फन मौला है, अल्लाह का शुक्र है, और वक्त पे जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हर फन मौला। ये मैं आपकी बेगम साहब से पूछता हूँ जी, खामी बताएं। बिल्कुल जी, आप बताएं, ये वाकई हर फन मौला है या घर के मामलात में बिल्कुल नहीं? टैलेंट तो इतना है कि घर और बाहर सब कुछ चला सकते हैं, एक साथ सारा कुछ चला सकते हैं। किसी को और को काम नहीं करने देते किसी को नहीं करने देते सब आराम करते हैं, अकेले ही लगे होते हैं। जी बेटे, आप डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, मतलब हर डिटेल को वो देखते हैं, जैसे अगर उन्होंने खानी बनाया हो या उसके ट्रेलर में या उसकी ओएसटी में, वो हर चीज़ वो देखते हैं। और फिर क्यों जी, आपका क्या ख्याल है? पॉजिटिव आउटलुक है, गुड इंटेंशंस, अच्छी नीयत देखें बहुत आगे ले जाती है बंदे को, इंसान को, तो आई थिंक वो चीज़ है, सिंसियरिटी है, हार्ड वर्क है, तो सारी चीज़ें काउंट करती हैं। कोई खामी भी बताए ना, खामी करें, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा शायद गुस्सा आ जाता है उनको। अच्छा जी, अब आगे क्या करने का इरादा रखते हैं? सर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने सब खैर की तो इस साल जियो के अवार्ड्स भी करेंगे, पहले फर्स्ट अवार्ड्स हो रहे हैं। उसके अलावा जियो फिल्म्स को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइव कर चुके हैं और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स उस बैनर के तहत बनाएंगे। सेवंस का और जियो का जो साथ है, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जियो एंटरटेनमेंट की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है वो दुनिया उसके बारे में बात कर रही है। सर आपको याद होगा मेरी साथ ज़रा बेनिशान से शुरू किया और उसके बाद हम करते रहे, और अभी भी एक प्रोजेक्ट जियो पे आ रहा है जो हम मी टू कैंपेन पे लेकर आए हैं डर खुदा से, तो उस पर मुझे उम्मीद है कि अगले साल वो भी नॉमिनेट होगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, हैरेसमेंट पे है। उसके अलावा भी रमज़े इश्क एक प्रोजेक्ट आ रहा है, वो है। उसके अलावा खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 आ रहा है। उसके अलावा आई एम सॉरी हसन आ रहा है। उसके अलावा दीवानगी आ रहा है। उसके अलावा बहुत कुछ आ रहा है। सारा कुछ कैसे कर लेते हैं आप? सर कोशिश होते हैं आप? बहुत कम सर, 3-4 घंटे। अच्छा जी, बाकी जागते रहते हैं? बाकी हाँ, दिमाग असल में नहीं सोता, अब सबसे बड़ा मुश्किल ये हो गई है कि सोता भी हूँ तो दिमाग जाग रहा होता है, तो वो आप सुलाती नहीं इनके दिमाग को? दिमाग तो खुद ही सोएगा, लेकिन ये कि डेफिनेटली ऐसा नहीं है, नींद होती है, थोड़ा थोड़ी होती है, लेकिन ये कि घर आके भी, ऑफिस से घर आके भी काम चल रहा होता है। तो बच्चों के साथ नहीं खेलते आपको टाइम? नहीं नहीं, बिल्कुल टाइम तो देते हैं, संडेज यूजुअली डेडिकेटेड होते हैं हमारे लिए, अगर जो भी टाइम मिलता है बच्चों और बीवी के साथ होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, दुआ में याद रखिएगा।